कोई किसान खेती नहीं करेगा तो कितने भी बड़े से बड़े रहे मोदी जी योगी जी वो भी खाए बिना मर जाएंगे। जब से ये मोदी सरकार आई है हम तो परेशान ही परेशान है, हम मोदी सरकार को गिराना चाहते हैं। ये रैली जो आज आह्वान देने वाली है ये हिंदुस्तान के वर्किंग क्लास और कौमी एकता के मामले में एक माइलस्टोन साबित होने वाला है। जब वोट का टाइम आता है तो पक्का हम देख लेंगे। महिला लोगों को कमी नहीं सोचना चाहिए, अगर से कौन सा गवर्नमेंट कम सोचा है वो चले जाएगा, नहीं बैठेगा सीट पे। पूरे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी से तक और अटक से लेकर कटक तक किसान की एक प्रॉब्लम है और मज़दूर की भी एक ही प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम इस अमृत काल में बहुत ज़्यादा भयानक रूप से आई है। और वो पहली बार हुआ है ऐसा हमारे देश में जब अस्तित्व का संकट है, जीवन का संकट है। अब सवाल ये नहीं है कि वो कौन आगे बढ़ेगा और बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, अब यह कि जो अभी तक हासिल कर लिया था वो भी बचेगा कि नहीं बचेगा। सरकार हर रंग पर हमला कर रहा है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का बैंकिंग हो, पब्लिक सेक्टर का इंश्योरेंस हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, और वैसे ही हमारा जो भी शिक्षण क्षेत्र है, आरोग्य का क्षेत्र है, और वैसे ही सभी क्षेत्र पर हमला कर रहे हैं। इसीलिए सभी क्षेत्र के मजदूर जो जो संगठित हुए हैं, जो भी अभी भी संगठित होना है, चाहे वो संगठित हो, असंगठित हो या स्कीम वर्कर्स हो, सभी लोग अपने आप की लड़ाई लड़ रहे थे। अभी हम क्या कर रहे हैं इस जो संघर्ष रैली से, केवल मजदूरी ही नहीं है, मजदूर किसान और खेत मजदूर तीनों जो मेहनतकश वर्ग हैं इस समाज के, हम सभी मिल गए हैं। जो राशन हमारा ही लेके हम लोग को ही बेचते, वो हम लोग खेती करते हैं, हमारा राशन ही लेके हम लोग को ही बेचते, वो हर रोज जीने के लिए हर जगह पे हर भाव बढ़ गए, और खाने का चीज़ों में भी भाव बढ़ गए, उसके बहुत दिक्कत हो रही है, तनख्वाह बहुत कमी है, ज़्यादा होना चाहिए 26,000 पर मंथली सैलरी देना चाहिए। हमें 35 साल हो गए यहाँ काम करते हुए, हमने सेवा की है बच्चों की और बुजुर्गों की, और जहाँ तक जब से लेडी प्रेग्नेंट होती है तब से हम उनकी देख रेख करते हैं, और जब बच्चा 6 साल का हो जाता है, इवन के 18 साल की किशोरी की भी हम देखभाल करते हैं, नर्सिंग मदर की करते हैं, प्रेग्नेंट मदर की हम केयर करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम इतना काम करते हैं कि कम से कम हमें मिनिमम वेज तो मिले ना। लगभग 3,500 किसान हर रोज़ अपनी खेती को छोड़ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, रोज़गार तो है नहीं। लगभग 150-200 के आसपास, 137 के आसपास दिहाड़ी मजदूर हर महीने आत्महत्या कर रहे हैं। ये वही किसान है जो बेदखल होकर वहाँ पर गया था। स्कीम वर्कर्स में महिला लोग इतने, पूरे 72 स्कीम्स है देश में, महिला लोग बहुत लोग काम कर रहे हैं, उनका श्रम को आइडेंटिटी नहीं कर रहे, इसीलिए महिला लोग बहुत सारे आए हैं दिल्ली में। सड़कों पर तो बहुमत भाजपा का सरकार का नहीं है, इस देश के किसान मजदूरों का है। सड़कों पर जो हम लड़ रहे हैं ये लड़ाई उसको रोक रखी है, अब रोकेंगे, जब तक वो रद्द नहीं होगा तब तक हमारा संग्राम चलेगा। जनता की ताकत के आगे तो उनको झुकना ही पड़ता है, और मुझे लगता है आज की हालत में वो सबसे ज़्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि उनकी सारी पोलें खुल रही हैं, अडानी वाली पोल भी खुल रही है, BBC की जो फाइल आई थी, वो जो गुजरात फाइल्स 92 वाली, ये सारी 2002 वाली, ये सारे उनके अपराध अब जग जाहिर हो रहे हैं। ये सही समय है, लोग ये कहते हैं कि बहुत कठिन समय है, हमारा मानना ये है कि जो कठिन समय होता है वही सबसे ज़्यादा संभावनाओं से भरा हुआ समय होता है, इसलिए वो झुकेंगे।